ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। ये जो जमात है, तबलीगी जमात है, इस जमात के लोग लगातार कहीं मकरज से, कहीं ईरान से, कहीं सऊदी अरब से हिंदुस्तान में आए, और जिस तरह से आतंकवादी मानव बम को कमर पे बांधकर और बम से निर्दोष लोगों को आतंकवादी उड़ा देते हैं बम से, उसी तरह इन्होंने इस कोरोना महामारी के वायरस को छुपाए रखा और छुपा के और पूरे देश में इस स्वास्थ्य मंत्रालय ने खुलासा किया है कि हमारे देश के लगभग 23 प्रदेशों में इन जमातियों ने जानबूझ के योजनाबद्ध तरीके से और षड्यंत्र पूर्वक लोगों में इस वायरस को फैलाया। खुद की रक्षा की चिंता नहीं की, लेकिन लोगों के मारने की चिंता की, और इसके बाद में तो लोग दहशत में है, पूरे देश के लोग, कि ये लोग धार्मिक कट्टरपंथी, ये लोग लोगों को मारना चाहते थे, क्या चाहते थे, और ये देश के वफादार नहीं हो सकते, ये देश के गद्दार लोग हैं, और इसलिए इनको माफ नहीं किया जाना चाहिए, और इनको या तो सऊदी अरब की तरह इनका सर कलम कर देना चाहिए, या फिर अंडमान के सेलुलर जेल में इन सब कट्टरपंथियों को डालकर और इनको काले पानी की सजा सरकार को देनी चाहिए। और फिर भी अगर ये हिंदुस्तान के जेल में नहीं रहना चाहते, तो इनको पाकिस्तान या अफगानिस्तान या बांग्लादेश या सऊदी अरब, उस धरती पे इनको भेज देना चाहिए, इस देश से निकाला दे देना चाहिए। ये जो नासूर है, इस नासूर का प्रधानमंत्री मोदी जी को ऑपरेशन करना चाहिए, ये समय है और समय का तकाजा है, कहीं नासूर को निकालो, नहीं तो आने वाले समय में देश को ये आंतरिक मामला जो देश का है, ये देश को दुख देंगे और देश सुरक्षित नहीं रहेगा। इनके निकालने के बाद ही देश सुरक्षित हो पाएगा, ये करना ही पड़ेगा। ये है टॉक्स न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।